हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मेरी यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। तो फ्रेंड्स ना, इधर मैं एक बार अपना बिस्तर सही कर लेती हूँ। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और बच्चों के जाने के बाद अब रूम की एक बार फिर से मैं कंडीशन सही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने झाड़ू पोंछा पूजा पाठ करके फ्री हो गई थी। लगभग अभी बज रहे हैं 10, तो किचन विचिन के काम से तो मैं फ्री हूँ। बस अब मुझे ये एक बार रूम की फिर से हालत सुधार लेती हूँ, क्योंकि उधर से मैं फ्री होकर अब मैं इधर ही आ गई हूँ रूम में। पहले मैं रूम का आपको दिखा रही हूँ, तो मैं एक बार रूम सुधार लेती हूँ, फिर करूँगी उसके बाद में ही अपनी चोटी, क्योंकि चोटी की थी मैंने, उसको मैंने मतलब कि सुलझा लिया है, मतलब कि उसको चोटी को मैंने खोल लिया था। तो अभी मैंने क्लेचर लगाया हुआ है, और वो मैं बालों को एक बार फिर से सुलझा कर मैं फिर से एक बार चोटी करूँगी। तो उससे पहले मैंने कहा कि एक बार ये अपना रूम सही कर लूँ मैं, उसके बाद करूँगी मैं चोटी वोटी, क्योंकि सुबह मैं नहा चुकी, पूजा वूजा पाठ भी मैं करके फ्री हो गई हूँ। लगभग मैं 5 बजे नहा ली थी, और 5:30 और 6 बजे के बीच में मैंने पूजा अपनी कर ली थी कंप्लीट। फिर खाना पीना नाश्ता वगैरह सब कुछ करके बर्तन वर्तन किचन का काम निपटा कर अब मैं आ गई हूँ सीधी रूम के अंदर, क्योंकि बच्चे गए हैं। अब बच्चों के जाने के बाद अब मैं अपने रूम सुधार लेती हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह मैंने कपड़ा वपड़ा सब फ्री हो रखी हूँ। और अब मैं पहले ये कपड़े वगैरह उठा के मैं एक बार इसके रख देती हूँ। तो आपको तो पता है फ्रेंड्स, मेरे ना सारे कपड़े ना इधर बेड पर ही रहते हैं, जो ओढ़ने वाले हैं, बिछाने वाले हैं, सब बेड के कॉर्नर में रहेंगे। और जो आप थैले में लटके हुए देख रहे हैं, इसमें न्यू साड़ी वगैरह, ये ऐसा सामान स्वेटर वगैरह इसमें रहता है, क्योंकि इनको रखने के लिए जगह नहीं है। तो इसलिए मैंने एंगल गाड़ के उसी के ऊपर कीलों पे लटकाया हुआ है इन दोनों को। और ये है मतलब कोचिंग वाले बैग, मतलब थे स्कूल के, बट उन्होंने ट्यूशन वगैरह के कारण रखे हैं, तो स्कूल में अभी छोटा वाला बैग लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी ना उनके ना सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम, मतलब कि फाइनल वाले एग्ज़ाम सेकेंड टर्म के तो हो गए दीपावली से, दीपावली के बाद, और लास्ट टर्म के एग्ज़ाम बाकी है उनके, तो थोड़ा ही सिलेबस लेकर जाते हैं, लास्ट सिलेबस यानी कि। तो ये कपड़े हैं जो कहीं बाहर रख गए थे तार पे कहीं कहीं, इनको मैं उठाकर लेकर आई हूँ बाहर से। तो एक बार इनको फिर से मैं उधर ही रख देती हूँ बेड पे, क्योंकि इधर एंगल पे भी जगह नहीं है, ना ही अलमारियों के अंदर जगह है, तो बेड पे ही रख देंगी, क्योंकि आएंगे शाम को तो वो पहन लेंगे अपनी ड्रेस चेंज करके बच्चे। और पोंछा तो मैंने लगा रखा है, बट फिर भी मैं अभी एक बार फिर से इसको साफ कर लेती हूँ। तो सर्दियों में तो मतलब इतना अभी गंदा नहीं होता, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि दोबारा से बिल्कुल ना रूम की ना दोबारा से सफाई करनी पड़ जाती है। बच्चे तो चले जाते हैं स्कूल, फिर उसके बाद ज़्यादा ही हो जाता है और भी काम। तो गर्मी में मैं बहुत मतलब कि लेट ना फ्री हो पाती हूँ, लगभग मुझे 12-1 बज जाता है फ्री होने में। और इन दिनों तो मतलब सुबह मैं जल्दी हो जाती हूँ, क्योंकि सर्दी गर्मियों में तो ये रहता है काम कर लो है ना, और फिर ना मतलब कि सारा काम कर लो, उसके बाद फ्री होकर नहाओ, क्योंकि अगर बीच में काम नहा लोगे और फिर बीच में काम रह जाएगा तो सारे पसीने से लथपथ हो जाते हैं। तो इसी के कारण से मतलब कि होता क्या है, सुबह सर्दियों में तो नहा लेते हैं और बस नहा कर मतलब फ्री हो जाते हैं, और बस ना काम करते रहो, क्योंकि पसीना वगैरह तो आना नहीं है कोई, और ना ही मतलब कि इधर मेले होने हैं, तो इसके कारण से नहाने का काम सुबह जल्दी फ्री हो जाता है। और ये सारे पैरदान बोरे मैंने इसलिए रूम में डाले हुए हैं कि क्योंकि रूम में इसमें अभी ठंडक रहती है, तो इसी के कारण से मैंने इनको इधर ना लगाया हुआ है, ताकि ना बच्चे इस पे बैठ के खाना भी खा लेते हैं और हम भी बैठ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं मतलब कि सोच रहे होंगे कि कैसी सफाई की है, मतलब कि इतना कचरा फिर से निकल रहा है। तो फ्रेंड, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ना, तो ये अभी ना 9:30 बजे गए हैं, तो यही मतलब कि होता है, सुबह मैंने कर दिया था, बट ना वो उठ जाते हैं, कोई अपने रेजर, कोई ना अपनी ना पेंसिल वगैरह रूल वगैरह छील रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पॉलीथीन फेंक रहे हैं, इस तरीके का हो जाता है, कचड़ा वचड़ा करते रहते हैं वो। तो इसीलिए मैं पहले ना इधर ना झाड़ू वाड़ू निकाल लेती हूँ, कचड़ा वचड़ा सारे इकट्ठा करके मैं फेंक दूंगी।
लीजिए फ्रेंड्स, सारा कचरा रूम में से मैं लेकर आ गई हूँ बाहर। मैंने मुझे वो जूते पहने हुए हैं, स्पंज वाले फॉर्म वाले कपड़े के। एक बार कचड़े को मैं इधर कर देती हूँ, फिर मैं इसको फेंक कर आती हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे रूम में। कचड़े को फेंक आई हूँ, हाथ वगैरह सब मैं धुल के आ गई हूँ। अब आ गई हूँ रूम में, एक बार फिर से मैं ये गद्दे वगैरह में डाल देती हूँ, क्योंकि पोंछा तो मैंने पहले ही लगा दिया था। मैंने पोंछा लगाने की जरूरत नहीं है, रूम ना बिल्कुल साफ है, बस थोड़ा सा ये कचड़ा वगैरह हो गया था उसी को मैंने हटा दिया है। और फिर से मैं एक बार फिर से पैदान बिछा देती हूँ, तो ये बोरे वगैरह डाल देते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, रूम में डल गए हैं बोरे। अब चलती हूँ मुहान धुल के आके करूँगी अब मैं चोटी, बालों को सुलझाना। ये देख लीजिए बिल्कुल ठीक हो गया है रूम, अपना सारा सामान सेट हो गया है। अब आती है बालों को सुलझाने की। तो मुहान तो मैं धुलाई हूँ, इधर मैंने पहुँच लिया है। अब ये बाल हैं जो मैं, सर तो मैंने नहीं धुला था, बट चोटी एक बार कर लेती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी ना है, ठंड भी है, जुकाम वगैरह भी हो रखा है, तो इस कारण से मैंने सर नहीं धुला है। अब मैं अपने बालों को सुलझा लेती हूँ। उलझे हुए बाल हैं, देख लीजिए कितने उलझ गए हैं बाल, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो सुलझाना काफ़ी मुश्किल पड़ेगा अब इनको, और टाइम लग जाएगा सुलझाने में, क्योंकि मैंने ना सुलझा नहीं पाए थे बाल सुबह, ऐसे ही मैंने क्लेचर लगा रखा था। अब बालों को सुलझाऊंगी। तो मेरे राइट हैंड में फ्रेंड्स ना प्रॉब्लम है, मेरा टूटा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से बाल उस वाले हाथ से नहीं कर पाती हूँ। तो आप कॉर्नर में देख रहे हैं, ये सारे कपड़े लटके हुए हैं, ये मेरे पीछे के साइड में कॉर्नर में सब में कपड़े रखे हुए हैं, तो सूटकेस उनके ऊपर भी रखे हैं पहनने वाले कपड़े हैं। तो अभी फ्रेंड से ना खाना बन रहा है, तो प्रेशर कुकर में सीटी भी आने वाली, विसिल्स भी आने वाली है, तो मैं इधर एडिटिंग कर रही हूँ, इधर प्रेशर कुकर के अंदर सीटी भी आने वाली है। तो मैंने ना दाल चढ़ा रखी है बनने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं और टूटे भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। इधर ये ऑंठ ना बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, चटक रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑंठ, क्योंकि सर्दियों सीजन है तो चटकते हैं। लिपस्टिक और लिप ग्लॉस वगैरह कुछ भी लगा लो तो सही रहते हैं, नहीं तो मैं ज़्यादातर सिंपल ही रहती हूँ। ये देख लीजिए, मैं ये बता रही थी, इस तरह इस साइड से मैं बिल्कुल भी बालों को नहीं बना पाती हूँ, मेरा हाथ मतलब कि पूरा नीचे तक नहीं जा पा रहा है, बालों के छोर तक नहीं जा पा रहा है। ये देख लीजिए कंघा भी उलझ गया है, तो ये इस कारण से है क्योंकि राइट मतलब कि जो साइड है, ये हाथ है जो मेरा, ये ख़राब है, ये काम नहीं करता, बिल्कुल वर्क नहीं कर पाता है ढंग से, तो ज़्यादातर मुझे बालों को सुलझाने में दिक्कत हो ही जाती है। दर्द भी बहुत होता है कोहनी के अंदर अगर मैं ज़्यादा जोर लगाती हूँ तो, क्योंकि टूटा हुआ हाथ है ये मेरा। और बाल भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो ये देख लीजिए इतने बाल टूटे हैं ये। देख लीजिए, जबकि सर नहीं धुलाए तब देख लीजिए यह हालत है। मैं रोज़ इसी तरीके से मतलब कि बालों को निकालती हूँ अपने कंघे से, इतने बाल रोज़ टूटते हैं।
है। जो कोई भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ना उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, तो मतलब कि ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। जो सब्सक्राइब है उसके आगे एक ऑल का ऑप्शन आता है, आप उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके बिल्कुल समय पर, आप मेरी वीडियो देख सकें बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स इधर मैंने बालों को सुलझा लिया है और अब मैं इधर लगा ले रही हूँ चिमटी, तो मतलब कि पिन है मेरे पास, तो ये जो मोटे वाली पिन आती है मैं वो ही लगाती हूँ, उससे मतलब कि अच्छी तरीके से बाल अपने बंधे रहते हैं, और पतली वाली जो पिन होती है उससे बाल ज़्यादा टूटते हैं, तो ये वाली पिन मैं लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स इधर मैंने जूड़ा नहीं लगाया है, मैंने इधर बालों को सुलझा लिया है और इधर मैं चोटी कर ले रही हूँ, और अब मैं कल सर को धुलूँगी, तो कल मैं हेयर वॉश करूँगी, आज तो मैंने सिंपल तरीके से चोटी वोटी कर ली है, वैसे मैं सिंपल ही रखती हूँ, जूड़ा उड़ा लगा लेती हूँ, बट आज मैंने चोटी कर ली है, तो देख लीजिए हो गई हूँ फ्री, थोड़ा बहुत काम बचा है उसको भी कर लेती हूँ। तो ये सिंदूर है, इसको लगा लिया है मैंने, और अब मैं लगाती हूँ ये लिपस्टिक, ये रेड कलर है मेरे पास, तो रेड कलर की मैं लगा लेती हूँ, इससे मतलब कि बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट रहते हैं और फटते नहीं है, वैसे मैं जब कभी लगाती हूँ और जब कभी नहीं लगाती हूँ उसको भी मैं। तो मैंने सादा सिंपल तरीके का काजल लगाया है, ये देख लीजिए मेरी सिंपल तरीके की चोटी हो गई है, और बिल्कुल मतलब कि एकदम सही तरीके से हुई है, और अब मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का ब्लॉग वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर फॉलो ज़रूर करते रहिएगा, आगे तक भेजते रहिए अपने दोस्तों को, और मुझे फुल सपोर्ट कीजिए। Thank you.
तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग की यहीं करती हूँ एंडिंग। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तो प्लीज़ ना वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।